हेलो दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसा एलईडी बल्ब खराब हो गया है? आप दोस्तों घर में अपने एलईडी बल्ब यूज करते होगे तो खराब होता होगा तो दोस्तों आप फेंक देते होगे, लेकिन आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, फिर नया बल्ब जाके खरीद लाते होगे 100 रुपए का। तो दोस्तों आपको 100 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दोस्तों मार्केट से ये दोनों किट खरीद कर लाना है। दोस्तों 10 रुपए का किट ये आपको मार्केट से मिल जाएगा और 10 रुपए का ये किट मिल जाएगा, मतलब कि दोस्तों आपको 20 रुपया में खराब एलईडी बल्ब आप घर में बैठे बैठे बना सकते हो बड़े ही आराम से। तो आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि एलईडी बल्ब आप घर में कैसे बैठे बैठे बना सकते हो। आपको 100 रुपए खर्च करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका 20 रुपए में दोस्तों काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हो नॉलेज गुरु जी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर। तो दोस्तों सबसे पहले इसको जो है इसको ओपन करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। दोस्तों आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन कर लेना है, ये जो ऊपर की तरफ किट लगा हुआ है इसी को दोस्तों आपको ओपन करना है। सिर्फ देखिए पूरा जो प्रोसेस है दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना ये किट जो लगा हुआ है ऊपर से इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों स्क्रू निकालने के बाद आपका जो ये दो वायर दिख रहे हैं ये ब्लू कलर का और व्हाइट कलर का, इसको दोस्तों आपको सोल्डिंग से बाहर निकाल देना है। तो देखिए कैसे आपको सोल्डिंग से बाहर निकालना है, दोस्तों बहुत ही आराम से सोल्डिंग आपको गर्म करके आपको बाहर निकाल लेना है। पहले आपको दोनों सोल्डिंग से दोस्तों इसको ये जो एलईडी लगा हुआ है इस किट को दोस्तों बाहर आपको रिमूव कर देना है। ये दोस्तों निकल जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आपका ये जो खराब वाला है इसको हटा देना है, और जो आप मार्केट से नया दोस्तों जो किट लेके आए वो 10 रुपया में सिर्फ इसी का दोस्तों काम है, और इसका काम है सिर्फ 20 रुपया में आपका बल्ब जो है दोस्तों बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे मैं इसको सोल्डिंग करता हूँ। आपको दोस्तों पहले इसको दोनों वायर को इसको बाहर जो है उसको आपको निकाल देना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो किट लगा हुआ है इसको आपको चेंज करके चेक करना है एक बार, इसको पहले आपको दोस्तों नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए आपका इससे काम अगर हो जाएगा तो इसको लगाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। आपको दोस्तों पहले दोनों को स्क्रू से टाइट कर देना है अच्छे से। आपको दोस्तों हल्का हल्का सोल्डिंग पहले मार के चेक करना है। तो आपको दोस्तों अच्छे से सोल्डिंग पहले कर लेना है। आपको दोस्तों एक होल्डर ले लेना है, फिर आपने जो ये बल्ब को ये जो किट को ऊपर लगाया था इसको दोस्तों हम चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हम लगा चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये किट है इसको भी दोस्तों इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद ये जो बल्ब है ये चालू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको लगा के चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये दोनों वायर जो है जो हमने दोस्तों सोल्डिंग किया था इसको रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों जो हमने स्क्रू लगाया था यहाँ पे इसको दोस्तों रिमूव करना है। स्क्रू खोल के ये जो प्लेट किट लगा हुआ है इसको दोस्तों निकाल देना है बाहर। ये जो कैप लगा हुआ है दोस्तों इसको रिमूव कर देना है, बड़े ही आराम से दोस्तों रिमूव हो जाता है, आप पेचकस से इसको रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे अंदर देखिए दोस्तों यही किट लगा हुआ है जो मैंने दोस्तों ये दिखाया था, यही सेम किट दोस्तों इसमें लगा हुआ है। तो इसको दोस्तों बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इसको जो सोल्डिंग यहाँ पे लगा हुआ है इसको दोस्तों हम बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे। तो आपको दोस्तों सोल्डिंग की मदद से इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देते रहिएगा कि आपको कहीं चोट ना लग जाए, इसके लिए दोस्तों आराम से काम करते रहिएगा। इस पर दोस्तों आपको सोल्डिंग को थोड़ा देर तक प्रेस करना है, उसके बाद बहुत ही आराम से ये रिमूव हो जाता है, निकल जाता है अच्छे तरीके से पूरी तरीके से। आपको दोस्तों आराम से इसको रिमूव कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर जो सोल्डिंग लगा रहता है इसको दोस्तों गर्म हीट करके आपको बाहर निकाल देना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए निकला हुआ है कुछ इस तरीके से। फिर अंदर का जो किट है दोस्तों आपको पकड़ की मदद से इसको बाहर खींच देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पकड़ की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे, बड़े ही आराम से दोस्तों निकल जाता है ये। ये जो किट लगा हुआ है दोस्तों ये दूसरा किट रहता तो ये खराब हो गया है, इसका काम दोस्तों ये करने वाला है। ये छोटा सा, ये बहुत बड़ा है लेकिन ये छोटा सा दोस्तों किट जो है वो हमारा काम कर देगा। इसको ही दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पे और आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा बल्ब जो है दोस्तों 20 रुपए में बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें 4 वायर दिखेंगे, तो ये जो दोनों व्हाइट वायर है दोस्तों इसी को आपको इसमें यहाँ पे अंदर डालना है। तो दोस्तों आपको इस तरह डाल के अंदर से और यहाँ से बाहर दोस्तों निकाल लेना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ दोस्तों ध्यान दीजिए वायर जो है बाहर की तरफ आ गया है, आपको भी दोस्तों इस तरह बाहर कर देना है और फिर इसी पे दोस्तों सोल्डिंग हम चढ़ा देंगे। तो कुछ हम इस तरह से दोस्तों सोल्डिंग जो है इसको ऊपर से चढ़ा देंगे ताकि जो वायर है पूरी तरीके से अच्छे से सोल्ड हो जाए। इसी तरह दोस्तों आपको भी आराम से धीरे धीरे से
सोल्डिंग जो है चढ़ा देना है। आपको दोस्तों सोल्डिंग वायर लेकर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से सोल्ड कर देना है, ताकि हमारा जो वायर है अच्छे तरीके से सोल्ड हो जाए। दोनों को दोस्तों आपको अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर देना है, ताकि हमारा जो वायर है वो अच्छे से सोल्ड हो जाए। तो आपको कुछ इस तरीके से सोल्डिंग कर देना है, तो आपका जो किट है दोस्तों वो सोल्डिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको दिखा देना चाहता हूँ जो हमने किट लगाया था। यहाँ पे दोस्तों अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, जो हमारा किट है वो पूरी तरीके से दोस्तों बढ़िया से सोल्डिंग हो गया है। तो दोस्तों हमारा जो ये किट है, ये जो ढक्कन है, इसको दोस्तों बढ़िया से आपको ये वायर जो है बाहर की तरफ निकाल के इसमें अच्छे से आपको प्रेस कर देना है दोस्तों, ताकि ये बाहर निकले ना। और फिर जो हमारा ये जो दोस्तों एलईडी किट है, इसको आपको अच्छे से यहाँ पे इसको दोस्तों स्क्रूप से अच्छे से आपको टाइट कर देना है, ताकि आपका जो ये एलईडी किट है ये बाहर की तरफ ना आए। यहाँ पे स्क्रूप लगाने के बाद दोस्तों यहाँ जो दो वायर है इसको आप अच्छे से दोस्तों बाहर निकाल लीजिएगा। और जो रेड वायर है दोस्तों इसको प्लस है, और ये जो हमारा व्हाइट वायर है ये दोस्तों माइनस है। आप दोस्तों इसका बस खाली ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जो हमारा रेड वायर है जो मैंने प्लस बताया था, इसको आपको दोस्तों प्लस में ही सोल्ड करना है, आप माइनस में सोल्ड मत करिएगा, नहीं तो आपका जो एलईडी किट है ये दोस्तों काम नहीं करेगा। जैसे हम दोस्तों सोल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारा जो रेड वायर है ये प्लस में सोल्डिंग हुआ है, और जो व्हाइट वायर है ये माइनस में दोस्तों सोल्डिंग हुआ है। आप ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आपको किट को सबसे पहले अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पे दोस्तों फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको रेड वायर जो है इसको प्लस में लगाना है, और जो हमारा व्हाइट वायर है इसको माइनस में दोस्तों लगाना है। एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, सही से एक बार देख लीजिए। तो हम इसको दोस्तों चेक करेंगे कि हमने जो बल्ब बनाया है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको दोस्तों हम चेक करने वाले हैं, अभी देख लीजिए आपके सामने ही दोस्तों देख लीजिए हमारा जो बल्ब है वो जलने लगा है। देख लीजिए फिर से एक बार, फिर से निकालो, फिर से लगाओ। हाँ देखे दोस्तों, फिर से लगाओ एक बार, चेक कराओ। देख लीजिए दोस्तों हमारा जो बल्ब है वो बन कर रेडी हो गया है। तो हमारा जो बल्ब है दोस्तों वो आपके सामने मैंने दिखाया कि कैसे ये बन के रेडी हो गया है। तब दोस्तों इसका जो कैप ये है, हम इसको दोस्तों इसको इसमें लगा देंगे। तो कैप को दोस्तों हम इसमें लगा देंगे, अच्छे तरीके से दोस्तों बैठ जाएगा। हम दोस्तों फिर से एक बार आपको बल्ब दिखा देते हैं जो हमने बनाया है सिर्फ 20 रुपये में। वो हमारा दोस्तों बल्ब बनकर रेडी हो गया है आपके सामने। दोस्तों हमने पूरा जो प्रोसेस है दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि ख़राब बल्ब है उसको आप घर में कैसे बैठ के दोस्तों बना सकते हो। 20 रुपये में दोस्तों आप अपने बल्ब को घर में बैठे बैठे बना सकते हो। आपको दोस्तों बल्ब आपका ये ख़राब हो जाता है, एलईडी बल्ब अगर ख़राब हो जाता है तो फेंकने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे ही दोस्तों आप सिर्फ 20 रुपये का किट ला के अपने घर में बना सकते हो खुद से, किसी से बनवाने की दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद से मेरा ये वीडियो देखकर आप घर में आराम से बैठ के बना सकते हो। तो यही था दोस्तों वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, एंड चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।